front, east, west. स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, मेरा वास्तु मेरा भाग्य आप देख रहे हैं और हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपके घर के छत का वास्तु दुरुस्त उपाय। हम आपको आज बहुत छोटे लेकिन बहुत सटीक उपाय बता चुके हैं, बारी नवे उपाय की है। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़ी है, रेणु। रेणु आप बताइए, आपका सवाल क्या है? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। सर मेरे दो सवाल है, प्लीज दोनों खाल चुके हैं। बताइए। हाँ सर, एक तो मुझे ये कि हमारा वैसे सोने का कमरा तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में भी हमने वाला बेड लगाया, तो कभी कभी मेरा उधर सोने का मन करता है, मतलब हस्बैंड वाइफ का, कि हम उस रूम में सो सकते हैं कभी कभी के नहीं। और दूसरा सवाल मेरा, हेलो जी सुन रहे हैं आपको? हाँ जी सर। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरा बेटा है, मतलब ईस्ट की द्वार अपना कंप्यूटर रखा है, 9-10 तरह के मतलब डीवीडीएम वगैरह बहुत सामान रखा उसने, और इसकी तरफ मुंह रखा होता है, क्या वो सही है या गलत है? आपका दूसरा सवाल मुझे पूरी तरीके से सुनाई नहीं दिया। आपने पहले सवाल में पूछा कि आप नॉर्थ ईस्ट के कमरे में कभी सो सकते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है नॉर्थ ईस्ट के कमरे में सोना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं माना जाएगा। और मेरे पास मैप्स हैं कुछ घरों के, कुछ लोगों ने उनका जो मैप भेजे हैं, तो मुझे धर्मेंद्र कुमार है गाजियाबाद से, इन्होंने अपने घर का नक्शा में भेजा है, क्या कहता है घर का नक्शा? देखिए ईस्ट फेसिंग इन्होंने दिखाया है, ईस्ट की तरफ ये मार्क किया हुआ है, यहाँ वेस्ट मार्क किया हुआ है बिल्कुल, और एंट्री इनकी आ रही है, हमें मिल रही है एंट्री इनकी साउथ वेस्ट की तरफ से। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ड्राइंग कम डाइनिंग हॉल इनका साउथ वेस्ट में आ रहा है, किचन इनकी बहुत ज्यादा गलत जगह पर आ रही है, नॉर्थ वेस्ट में आ रही है। इनका एक टॉयलेट आ रहा है प्योर साउथ में, जो कि बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक इनका बेडरूम आ रहा है साउथ ईस्ट में, दूसरा बेडरूम आ रहा है नॉर्थ ईस्ट में, दोनों ही बेडरूम गलत है। साउथ ईस्ट के बेडरूम से इनको गुस्सा आ सकता है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, रिलेशन खराब हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम से हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। जी तो दुरुस्त नहीं है सर, क्या दुरुस्त? बिल्कुल नहीं। छोटा सा कर दे, उपाय यही है कि हम रिपीट भी करते हैं, साउथ ईस्ट में पिंक कलर करवाएं, रोज क्वार्ट्ज की बॉल्स रखें, और इस रूम में लेमन कलर आप करवाएं। जी थोड़ा बहुत आपका जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और देख रहे हैं नवा उपाय कौन सा है जो आपके घर की छत के वास्तु को ठीक कर सकता है। वजह कोई भी रही हो, चाहे लीकेज बन जाए, चाहे सीपेज हो, या कभी आपको टाइम ही ना मिले छत रिपेयर करने का, अगर बरसात का पानी आपकी छत से अंदर आ जाता है तो पॉवर्टी आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ती। दोस्तों छत को रिपेयर तुरंत कराएं, लीकेज नहीं होनी चाहिए, पानी टपकना नहीं चाहिए आपके घर की छत से। जी और एक और ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको 10वां उपाय बताएंगे, और भी बहुत सारे खास चीजें हैं, एक और नक्शा है, समय अगर रहा तो उस नक्शे पर भी हम चर्चा करेंगे पुनीत जी के साथ। बस लौट रहे हैं फौरन, रहिएगा मेरा वास्तु मेरा भाग्य के साथ। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट।